दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बीते गुरुवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर देश ही नहीं विदेशों में से भी प्रतिक्रिया आ रही है। आज अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हमारी करीबी नजर है। उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। इससे पहले जर्मनी ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अमेरिका हो या जर्मनी, ये देश हमें निष्पक्ष जांच का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ सिखाने से पहले खुद के देश में फैले भ्रष्टाचार और आतंकवाद की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराते। इस साल की शुरुआत में ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साल 2023 में 180 देशों के करप्शन की रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार अमेरिका 24वें रैंक पर है। वहीं साल 2022 में रिपोर्ट में भी अमेरिका यही रैंक थी। ऐसे में साल भर में तमाम कोशिशों के बाद भी देश में भ्रष्टाचार का लेवल जरा सी भी कम नहीं हुआ। ऐसे में उन्हें हमें भ्रष्टाचार पर सलाह देने से पहले अपने देश के करप्शन को कम करने के बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका से पहले जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की तो भारत इसका विरोध जताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ऐसी टिप्पणी को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही पहला मामला नहीं है जब इन देशों ने भारत पर टिप्पणी की हो। इससे पहले भी सीए और असहिष्णुता के मामले में ये देश भारत पर टिप्पणी कर चुके हैं। भारत के मामलों पर जब भी इन देशों से कोई प्रतिक्रिया आई हो तो उसका भारत ने बखूबी जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले अमेरिका ने सीए पर टिप्पणी की थी, जिसमें अमेरिका के सीए लागू करने को लेकर आपत्ति जताई थी। अमेरिका की इस आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने गलत और बेतुकी बताई। भारत ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऐसे में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर चिंता का कोई आधार नहीं है। बता दें कि ये सीएए से पहले साल 2019 में अमेरिका के अधिकारी ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में धार्मिक भेदभाव भयानक स्तर पर पहुंच गया है। दरअसल सवाल तो यही है कि आखिर केजरीवाल देश के ऐसे पहले नेता थोड़ी है जिसे ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इसके पहले लालू प्रसाद यादव भी गिरफ्तार हुए, कई महीनों तक, कई सालों तक जेल में रहे। इसके अलावा अभी तत्काल में ही झारखंड के सीएम को सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया। ऐसे भारत में बहुत सारे मामले हैं जिसमें ईडी सीबीआई की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ईडी सीबीआई गिरफ्तारी करने के बाद विदेशों के अखबारों में या विदेशों से ऐसी हलचल क्यों नहीं होती। आखिर केजरीवाल को लेकर के ही खालिस्तानी पन्नू या अमेरिका, जर्मनी, ऐसे लोग केजरीवाल को लेकर के ही सवाल क्यों उठा रहे हैं? जिनके खुद के अंदर छेद है वो भारत पे उंगली क्यों उठा रहे हैं? भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाला देश है जहां पर सुप्रीम कोर्ट है और भारत न्यायिक प्रक्रिया में पुरजोर विश्वास रखता है। जो भी अदालती फैसले होते हैं भारत के लोग उस पर विश्वास जताते हैं। ऐसे में विदेशी दखल अंदाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज के दौर में जिस तरीके से केजरीवाल और सीएओ के लेकर के मामला हुआ और भारत ने बखूबी जवाब दिया, शायद इसी की वजह से विदेश के जो भी देश हैं जो इस तरीके के भारत पर उंगली उठा रहे हैं, शायद इस वजह से ही तिलमिला जा रहे हैं, क्योंकि भारत उनकी आंखों में आंखें डाल करके हर कार्रवाई का, हर बातों का जवाब दे रहा है। लेकिन सवाल इससे ज्यादा यह भी है कि इस तरह एक तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, दूसरी तरफ उनके करीबी राघव चड्ढा आखिर अमेरिका क्यों पहुंच गए? अमेरिका राघव चड्ढा पहुंचे, उसके बाद से राघव चड्ढा की खालिस्तानी समर्थक के साथ एक तस्वीर वायरल हो गई। जैसे ये तस्वीर वायरल हुई, अब सुर्खियों में बनने लगा, चर्चा होने लगा, और इसके बाद से ही खालिस्तानी पन्नू भी अपना राग आलापने लगा। तो इस तरीके से एक ऐसे सीएम जो पूर्वदर्जा के राज्य के सीएम भी ना हो, उनकी गिरफ्तारी पर आखिर विदेशों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर विदेश केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्यों बौखलाए हुआ है? केजरीवाल अगर न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं तो उनको बिल्कुल ही न्याय पे भरोसा करते हुए ईडी और सीबीआई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब आप क्या कुछ कहेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी पर? जिस तरीके से विदेशी अखबार या विदेशों से बयान आ रहे हैं उस पर क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।